कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा? हाँ, गर्मी का तो मज़ा ले ही रहे हैं। स्वागत है आपका, स्वागत है आप सभी लोगों का इस क्लास में। आप लोग गेस्ट बन के आते हैं और स्टूडेंट नहीं बन पाते हैं, स्टूडेंट बनने से पहले ही निकल लेते हैं। सो गेस्ट नहीं बन के रहिए, स्टूडेंट बन के रहिए। स्टूडेंट की लाइफ है, स्टूडेंट बन के रहिए, बेहतर होगा। और कंप्लेन करने से अच्छा है, ब्लेम करने से अच्छा है कि पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है? और ये नीट की प्रिपरेशन के हिसाब से पढ़ाई करवाई जा रही है, बोर्ड के हिसाब से तो ऐसा सच नहीं है, क्योंकि लिखने का हम नहीं बता रहे हैं बहुत ज़्यादा कि इसको लिखना कैसे है, लेकिन हम मीनिंग समझा रहे हैं। तो ये सब काम करेगा, ट्वेल्थ के लिए भी काम करेगा आपका। ये ट्वेल्थ क्लास की है ना बायोलॉजी, ट्वेल्थ के बोर्ड के भी काम आएगा। लेकिन है ये एक्चुअली में किसके लिए? एक्चुअली में ये नीट एग्जाम के लिए है ना, नीट के लिए, नीट 2025 के लिए। सो जो भी आपका फोकस हो, फायदा दोनों करेगा, अभी पता रहना चाहिए, बस पता रहना चाहिए। देखिए नीट में या आईआईटी में भी, इवन आईआईटी में लेवल थोड़ा सा हाई रखते हैं बस, बट सिलेबस आप देखे हैं कि नहीं? सिलेबस ना कन्फाइंड है, नीट का सिलेबस, हम नीट की अगर बात करें तो एकदम कन्फाइंड है, ऐसे बाउंड्री है बिल्कुल। इसके बाहर एक आध क्वेश्चन जो लिंक्ड क्वेश्चन होते हैं, कभी पीछे के क्वेश्चन आए रहते हैं, उससे लिंक क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है? ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम अब 99.9% जो क्वेश्चन होगा इसी कन्फाइंड सिलेबस से होता है। और आप कहाँ भागते फिरते हैं? आप इधर भागते फिरते हैं, ठीक है? आप इसे फोकस ही नहीं करते हैं। आप सिलेबस में एनसीईआरटी ही है बाबा, ठीक है? एनसीईआरटी है, केवल इसी को फॉलो कर लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब। जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, वो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, बस कहानी खत्म हो गई। क्वेश्चन की प्रैक्टिस का तरीका भी मैंने बताया है, फिर भी बताऊंगा मैं फिर से, ठीक है? फिर से बताऊंगा मैं, क्योंकि आप लोग फॉलो नहीं करते हैं ना, एक बार में तो सुनते नहीं है, आप लोगों को 20 बार 30 बार रिमाइंड करवाना पड़ता है कि ऐसा करिए ऐसा करिए ऐसा करिए, फिर भी नहीं करते। एनीवे, चलिए आज के लेक्चर में हम शुरू करते हैं। एक नया टॉपिक है, मतलब बायोडाइवर्सिटी का ही, क्या है? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। हम पढ़ रहे हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है? इसके अंदर हमने पहला पढ़ा था क्या? लैटिट्यूडनल पैटर्न, लैटिट्यूडनल जो रिलेशनशिप है, लैटिट्यूडनल, ठीक है? इसमें लैटिट्यूड जो हमारे धरती पे हम बनाते हैं ना, इमेजिनरी लैटिट्यूडनल लाइंस बनाते हैं, तो देखा है कि भाई इसमें कैसे चेंज देखने को मिलता है। ये पहला था, दिखा देते हैं। ये देखिए लैटिट्यूडनल, ये है ना लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, तो ये लास्ट क्लास में हमने देख लिया था। दूसरा क्या है? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। तो इसमें भी हम ना स्पीसीज और एरिया की बात कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर रीजन में, किसी पर्टिकुलर रीजन में, मान लीजिए कि हमने ये एरिया पूरा एक लैंडस्केप है, ठीक है? दिस इज अ लैंडस्केप, ठीक है? यहाँ पे हम मान लीजिए कि एक्सप्लोरेशन शुरू किए कहाँ से? सेंटर से। दिस इज द सेंटर ऑफ द दिस लैंडस्केप, अप्रॉक्सीमेट सेंटर, एग्जैक्ट सर्कल नहीं है तो हम सेंटर ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है, क्लियर है? यहाँ से हम जब ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं ना किसी भी डायरेक्शन में, ऐसे मान लीजिए मतलब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं चीजों को, ठीक है? एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो स्पीसीज रिचनेस जो है, स्पीसीज रिचनेस, ठीक है, ये इंक्रीज करता है अप टू सर्टेन लिमिट। मतलब हम एक्सप्लोर करते करते मान लीजिए इस बाउंड्री को क्रॉस करने वाले हैं ऐसे, तो यहां तक तो ये क्या किया है, स्पीसीज रिचनेस बढ़ता गया है, लेकिन लेकिन यहां पे जब पहुंचेंगे ना, तो स्पीसीज रिचनेस इसके बाद नहीं बढ़ेगा, हो सकता है घटना शुरू हो जाए, ठीक है? और ये कॉन्सेप्ट दिया था वॉन अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, ठीक है? इन्हीं के नाम पे एक धारा भी है, जियोग्राफर भी है ये, ठीक है? तो हम्बोल्ट, हम्बोल्ट करेंट, ठीक है? आप पढ़िएगा हम्बोल्ट करेंट, जियोग्राफी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? और ये हम्बोल्ट करेंट जो है ना, इसको और भी बोलते हैं नाम, पेरुवियन करेंट, पेरू के पास है, पेरू के कोस्ट पे बहती है, तो पेरुवियन करंट भी है या पेरू करंट बोलते हैं, ठीक है? और अलिनो का जो फेनामेना है ना, नाम सुने होंगे अगर अलिनो, तो इसी से रिलेटेड है, ठीक
ठीक है, पैसिफिक ओशन और ये क्लियर है। चलिए खैर जियोग्राफी हम नहीं बता रहे हैं, और यही अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं जिनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इकोलॉजी। समझ रहे हैं कि नहीं, फादर ऑफ इकोलॉजी, इंडिया की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल ठीक है। इकोलॉजिस्ट हैं, नेचुरल नेचुरलिस्ट हैं, ठीक है, जर्मनी के हैं ये, देखिए जर्मन नेचुरलिस्ट हैं ये एंड जियोग्राफर, सी जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, क्लियर है कि नहीं। सो इनके कहने का मतलब है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर रीजन में एक्सप्लोर कर रहे हैं, अगर एरिया को हम ऐसे एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, तो स्पीसीज रिचनेस जो है बढ़ती जाएगी अप टू सर्टेन लिमिट, ठीक है। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, दैट विद इन अ रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग द एक्सप्लोर्ड एरिया। जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जा रहे हैं, एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बस इतनी ही कहानी है, और कहाँ तक कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी क्या, अरे नहीं भाई, एक लिमिट तक। हम मान लीजिए कि कोई एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया में सेंटर से शुरू किए, रिचनेस बढ़ती बढ़ती जा रही है, फिर उसके पता चला कि डेजर्ट आ गया, तो डेजर्ट में रिड्यूस हो सकती है, या कोई ऐसा रीजन आ गया रिड्यूस हो गई, ठीक है। तो अप टू सर्टेन लिमिट, जैसे इस पर्टिकुलर टाइप का जो हैबिटेट है, इसका जब रेंज खत्म होना शुरू होगा, तो वहाँ के बाद जो है स्पीसीज जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब मीनिंग क्या है स्पीसीज रिचनेस का, ये जानना जरूरी है आपका, अदरवाइज आपको कहानी नहीं पता चलेगी। स्पीसीज रिचनेस क्या होता है पता है किसी को, अरे मोबाइल मत खोलो भाई, आप लोग ना आज के समय में कुछ भी होता है तुरंत मोबाइल खोल लेते हो, ठीक है। आप लोगों को लगता है चैट जीपीटी तुरंत आंसर दे देता है, खोल लो बता देगा तुरंत, ठीक है भाई बता ही देता है, लेकिन बताने की बात नहीं है, समझने की बात है कि स्पीसीज रिचनेस होता क्या है, ठीक है। सो स्पीसीज रिचनेस का मतलब ये नहीं है कि प्लांट जो है ढेर सारे हों केवल, ठीक है, मतलब पूरा प्लांट से भरा हुआ है तो ऐसा उसको हम नहीं बोल देंगे कि स्पीसीज रिचनेस है, नहीं। हाँ अगर सेम ही प्लांट की स्पीसीज होगी तो क्या हो जाएगा, अबंडेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अबंडेंस हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि प्लांट ए है और ए ही ढेर सारा है, मान लीजिए हम ऐसे एक एरिया बनाए फॉरेस्ट एरिया, और इसमें जो है ना 100 जो है स्पीसीज ए की है, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, ए का एबंडेंस है और लेकिन ये स्पीसीज रिच है क्या, नहीं, स्पीसीज रिच नहीं है, केवल एक ही स्पीसीज है, बहुत ही ससेप्टेबल होगा, बहुत ही वल्नरेबल इकोसिस्टम होगा ये, बहुत ही वल्नरेबल हैबिटेट होगा। क्यों, क्योंकि एक ही स्पीसीज है और गलती से इस पे कोई डिजीज आउटब्रेक हो गया या कोई भी डैमेज हो गया जो इस पर्टिकुलर स्पीसीज को डैमेज कर दे, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, क्लियर है। सो हम यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस की बात कर रहे हैं। स्पीसीज रिचनेस में क्या होता है, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। मान लीजिए इसी एरिया में क्या है, 50 जो है बी की स्पीसीज हैं, फिर 60 जो है सी स्पीसीज हैं, 30 जो है डी है, ठीक है, 20 जो है ई है, ठीक है, समझ रहे कि नहीं, एक सेकेंड, क्लियर है इतनी चीजें। सो अगर किसी रीजन में ढेर सारी अलग अलग स्पीसीज हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, स्पीसीज रिच एरिया, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और जितनी भी स्पीसीज हैं, दो तीन कॉन्सेप्ट है समझ लीजिए, तो एबंडेंस का मतलब समझ लिया, रिचनेस का मतलब समझ लिए, ठीक है। यहीं पे बता देंगे आपको कि कैसे डिफरेंशिएट हम करते हैं कि कौन सा स्पीसीज रिच है, कौन सा स्पीसीज रिच नहीं है, एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। जैसे आपको इधर दिखाते हैं यहाँ पे, हाँ, ताकि आप इससे ना अंडरस्टैंड कर सके। जैसे मान लीजिए एक एरिया ये है, एक हैबिटेट ये हमने लिया और दूसरा हैबिटेट ये ले लिया, ये हैबिटेट एक्स है और ये हैबिटेट वाई है, ठीक है। यहाँ पे एक प्लांट की स्पीसीज ये है जिसको हमने किससे बनाया, ट्रायंगल से बनाया, सेम यहाँ पे है ये, ठीक है, दूसरा स्टार है तीन, ठीक है, यहाँ पे स्टार है इतना, ठीक है, तीसरा है हमने ये बना दिया, ठीक है, समझ रहे कि नहीं, तीसरा हमने ये बना दिया, यहाँ पे तीसरा हमने ये बना दिया, चलिए इतना ही रखते हैं। अब बताइए कि इसमें से स्पीसीज रिच कौन है, एक्स है, स्पीसीज रिचनेस किसकी ज्यादा है, एक्स
इज इक्वल टू वाई है या एक्स इज लेस देन वाई है या एक्स इज इक्वल टू वाई, बताइए पहला दूसरा तीसरा। स्पीसीज रिचनेस किसकी ज़्यादा है और एबंडेंस में अगर हम बोलें एबंडेंस का, अच्छा इवननेस 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 किस में ज़्यादा है ये बताइए, स्पीसीज का इवननेस किस में है, ए मतलब एक्स में ज़्यादा है वाई से या दूसरा जो है एक्स में कम है वाई से और तीसरा जो है एक्स इज इक्वल टू वाई है, बताइए ज़रा बताइए बताइए। चलिए पहले वाले की अगर हम बात करें स्पीसीज रिचनेस तो दोनों में बराबर है भाई, ठीक है एक्स इज इक्वल टू वाई, देखिए यहाँ पर भी ये एक स्पीसीज है, दूसरी ये स्पीसीज है और तीसरी ये स्पीसीज है, तीन डिफरेंट स्पीसीज हो गई, यहाँ पर भी एक दो ठीक है और ये तीन, यहाँ पर भी तीन डिफरेंट स्पीसीज हैं, तो स्पीसीज रिचनेस तो बराबर हुई यहाँ पे। हमने अभी क्या बताया रिचनेस के लिए कि नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है अबंडेंस यहाँ पे किस स्पीसीज का ज़्यादा है आप देखेंगे तो ए में भी किसका है स्टार वाला जो है, ठीक है दिस इज अबंडेंट सबसे ज़्यादा ये दिख रहा है, ठीक है और वाई के केस में भी देखेंगे तो स्टार जो है ये अबंडेंट है, दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे ये वाला है, ठीक है ये क्लियर है कि नहीं, यहाँ पे दूसरे नंबर पे कौन है आप लगा दीजिए ये अबंडेंस का अगर ऑर्डर आपसे पूछे तो, क्लियर है कि नहीं, तो पहले केस में अगर अबंडेंस का ऑर्डर पूछेगा तो आपका कौन सा आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा ना भाई, क्लियर है नहीं क्लियर है, दिस दिस इज द अबंडेंस ऑर्डर इन एक्स, दूसरे केस में क्या आ जाएगा, दूसरे केस में अबंडेंस का ऑर्डर क्या आ जाएगा, दूसरे केस में अबंडेंस का ऑर्डर ये है, ठीक है क्लियर है कि नहीं, ऐसे सबसे ज्यादा ये फिर दूसरे नंबर पे ये तीसरे नंबर पे ये वाई के केस में है, ठीक है एक कॉन्सेप्ट हमने इवननेस लिख दिया यहाँ पे, आप इवननेस का मतलब समझ लीजिए उसके बाद आंसर आप अपने से निकाल लेंगे कि किसमें किसका इवननेस ज़्यादा है, ऐसे ही हम ना नेचर में या डिफरेंट इकोसिस्टम में कंपैरिजन करते हैं स्पीसीज रिचनेस का और इवननेस का और एबंडेंस का, ठीक है सो इवननेस का मतलब यह है कि जो भी स्पीसीज हैं स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है मतलब कोई भी स्पीसीज इवनली है, मतलब जो नंबर है ऐसा तो नहीं कि एक एक ही स्पीसीज मान लीजिए कि इसकी केवल यहाँ पे 5 है और इसकी 500 स्पीसीज है, ठीक है और इसकी जो है 1000 स्पीसीज है, हमने यहाँ तीन दिखाया मतलब बता दे रहे हैं, और इस केस में मान लीजिए कि ये वाला जो है इसका 1000 प्लांट है और इसका जो है 2 प्लांट है और इसका मान लीजिए कि 30 प्लांट है, तो आपका दिख रहा है कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन कहीं दिख रहा है, नहीं भाई अलग अलग स्पीसीज में जो है ना सबसे ज़्यादा एबंडेंट देखिए डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं है, तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन स्पीसीज रिचनेस स्पीसीज एबंडेंस जो है ना सब कुछ जो है बायोडाइवर्सिटी को क्या करता है अफेक्ट करता है चेंज करता है, क्लियर है कि नहीं, यही स्पीसीज रिचनेस की हम बात यहाँ कर रहे थे कि जैसे जैसे हम एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ाते जाते हैं किसी रीजन में, मतलब हम्बोल्ट साहब ने बोला था वैसे वैसे उस पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है उस पर्टिकुलर रीजन में स्पीसीज रिचनेस जो होती है ग्रो बढ़ती जाती है इंक्रीज होती है अप टू अ सर्टेन लिमिट, ठीक है अप टू अ सर्टेन लिमिट, उसको उन्होंने ग्राफ के थ्रू दिखाया था, ठीक है ग्राफ के थ्रू दिखाया मतलब ग्राफ पे प्लॉट किया और बताया कि कैसे होता है और ये ग्राफ आपको याद रखना है, तो एरिया इन्होंने लिया जो एक्सप्लोर किया जा रहा है और इधर देखिए स्पीसीज रिचनेस बढ़ रही है, ठीक है तो एरिया देखिए जैसे जैसे इन्होंने एरिया बढ़ाया तो शुरू में ऐसे लग रहा था फिर बढ़ते बढ़ते देखिए बढ़ रहा है ना बढ़ रहा है बढ़ रहा है, उसके बाद देखिए धीरे से कॉन्स्टेंट होना शुरू हुआ, लास्ट में ये प्लेटू हो रहा है ना, हाँ तो ये प्लेटू हो रहा है तो इसका मतलब कॉन्स्टेंट हो रहा है, तो यस इज इक्वल टू सी ए पावर जेड, ये ध्यान रखना है, और लॉगरिथमिक स्केल पे इसको ले लिया मतलब ये क्या है आपका भाई लीनियर इक्वेशन बना दिया इन्होंने, ठीक है ये देखिए ऐसे लिनियरली जैसे लग रहा है कि बढ़ा, जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस जो है बढ़ती जा रही है, ठीक है लेकिन सर्टेन लिमिट तक है तो ऑब्वियस ही बात है एक लिमिट के बाद ये रुक जाएगा, तो लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी
प्लस जेड लॉग ए, इसी इसी का लॉग ले लीजिए, आपको आइडिया होगा लॉग लेने का तो पता चल जाएगा। लॉग एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग सी, और ये मल्टीप्लीकेशन में तो प्लस जेड आ जाएगा इधर साइड में आपका जेड लॉग ए, क्लियर है। ओके सो ये दोनों फार्मूला ना आपको याद रखना है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, नहीं क्लियर है तो आप ध्यान रखिए इसको, नहीं क्लियर है तो भी कोई बात नहीं, इसको याद रखिए क्या क्या है। एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, एस रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीसीज रिचनेस को, ए जो है एरिया है, जेड क्या है स्लोप ऑफ द लाइन है, मतलब इसको रिग्रेशन कोफिशियंट कहते हैं, स्लोप जितना ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है, स्लोप जितना ज्यादा होगा क्या होगा बताइए, स्पीसीज रिचनेस की बात हो रही है ना, तो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा होगा। सी इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, सो ये जो है ना आप सी कॉन्स्टेंट है वाई इंटरसेप्ट, इस पूरे फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, इसमें सारी वैल्यूज को भी, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट, इन्होंने बोला ये जेड की बात अब करेंगे, ठीक है, इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट, ये याद रखना है भाई, पूछता है, ठीक है, इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ जेड लाइज इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.2, मतलब इन जनरल जो स्लोप होता है 0.1 से 0.2 के बीच में ओवरऑल जो है लाई करता है, रिगार्डलेस ऑफ द टैक्सोनॉमिक ग्रुप और द रीजन वेदर इट इज द प्लांट्स इन ब्रिटेन, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया और मोलस्का इन न्यूयॉर्क स्टेट, द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन आर अमेजिंगली सिमिलर, कहने का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर भी ऐसा देखने को मिला है कि ये जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप लाइन जो है ना उसकी वैल्यू जो है लगभग सिमिलर है, ठीक है, बट इफ यू एनालाइज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप अमंग वेरी लार्ज एरिया लाइक द इंटायर कॉन्टिनेंट, मतलब जितने भी कॉन्टिनेंट है, अगर कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, यू विल फाइंड दैट द स्लोप ऑफ द लाइन टू बी मच स्टीपर, ठीक है, इसका मतलब ये जो स्लोप जेड की वैल्यू जो है ना वो चेंज हो जाएगी, अगर हम पूरे कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, देख रहे हैं ना 0.6 to 1.2 की बात करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या है स्पीसीज रिचनेस या जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है उतने ड्रास्टिकली चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल फॉर फ्रूगी वोरस, मतलब जो फ्रूट खाने वाले होते हैं इनको फ्रूगी वोर्स बोलते हैं, तो नाम भी याद रखिएगा कि मीनिंग क्या है इनका, ठीक है, बर्ड्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट द स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15। ये आप ध्यान रखिएगा कि क्या क्या यहाँ पे तीनों पॉइंट, पूरे कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो ये, ठीक है, समझ रहे हैं ना, और अगर हम किसी पर्टिकुलर नॉर्मल, अगर हम ओवरऑल रेंज की बात करते हैं जो एवरेज वैल्यू होती है तो 0.1 to 0.2 होती है, पूरे कॉन्टिनेंट को लेते हैं तो 0.6 to 1.2, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। अगर हम फ्रूगीवोर्स की बात करते हैं, ठीक है, जैसे बर्ड्स की बात करते हैं एंड मैमल्स की, कहाँ पे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में डिफरेंट कॉन्टिनेंट की, तो इनके लिए पर्टिकुलरली जो स्लोप की वैल्यू है कितना है 1.15। व्हाट डू स्टीपर स्लोप मींस इन द कॉन्टेक्स्ट, अब बताएंगे, आप बताएंगे कि हमको बताना पड़ेगा आपको, बताएंगे, कुछ पता है, पता पता तो है नहीं शायद, पढ़े हुए होंगे तो भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हैं आप लोग ढंग से, यहाँ पे सुनिए तो क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, बोर्ड में तो पूछ सकता है सीधे सीधे, ठीक है, आपको ही पूछ सकता है। तो स्टीपर स्लोप का सिंपल सा मतलब होता है, अगर स्लोप ज़्यादा स्टीपर है इसका मतलब, इसका मतलब क्या है, अगर स्लोप स्टीपर है तो मान लीजिए कि हम यहाँ से यहाँ तक मूव किए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, मतलब इतना एरिया चेंज हुआ ना, तो स्पीसीज का नंबर 10 से 100 हो सकता है, मतलब कि एरिया थोड़ा सा चेंज होने पे, अगर स्लोप बहुत ज़्यादा है उसका मतलब है कि एरिया थोड़ा सा चेंज होने पे जो स्पीसीज रिचनेस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये नंबर नहीं खाली है स्पीसीज रिचनेस की, मान लीजिए यहाँ 10 स्पीसीज थी और यहाँ पे 100 स्पीसीज हो गई, यहाँ से हम यहाँ पहुँचे, ठीक है, सी पे, और स्पीसीज रिचनेस पता चला कि 1000 पहुँच गई, मतलब 10 टाइम्स बढ़ती जा रही है, ठीक है। सो कहने का मतलब एरिया अगर हम थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो स्पीसीज जो रिचनेस है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है किसके लिए, एरिया के लिए। तो स्टीपर स्लोप का मतलब है चेंजेस पॉजिटिव में, कि स्पीसीज रिचनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एरिया थोड़ा सा चेंज होने पे, हैबिटेट थोड़ा सा चेंज होने पे, मतलब जितना भी हम एरिया कवर कर रहे हैं। शैलोअर स्लोप का मतलब इसी का अपोजिट हो जाएगा, शैलो स्लोप है, अगर स्लोप शैलो होने का क्या मतलब है, शैलोअर स्लोप अगर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एरिया चेंज होने पे, थोड़ा सा एरिया चेंज होने पे ना बहुत कम चेंज हो रहा है स्पीसीज में, मतलब 10 है तो यहाँ से ही 11 हो जाएगा, ठीक है,
समझ रहे कि नहीं, ए से बी जाने में, और इतना गए तो यहाँ से 11 से 14 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि स्टीपर स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज रिचनेस को, कि कितना तेजी से चेंज हो रहा है स्पीसीज रिचनेस। क्लियर है कि नहीं? सो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है और यहाँ पे पॉइंट्स वैल्यू दिए हुए हैं ना, इनको याद रखना है और इस फार्मूले को भी याद रखना है। क्लियर है? जरूरी है याद रखना, ठीक है। इम्पॉर्टेंस क्या है स्पीसीज डाइवर्सिटी का? ऑब्वियस सी बात है, इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, किसी भी इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए स्पीसीज डाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है भाई। हमको तो डायरेक्टली, हम डिपेंडेंट हैं, तो हमको जो जो चीज़ें डायरेक्टली डिपेंडेंसी है हमारे जिन चीज़ों पे, वो जब तक नहीं मिलेगा तो मज़ा नहीं आएगा। सॉरी, वो उधर मकान बन रहा है ना, तो वहाँ पे कुछ काट पीट रहे हैं, बहुत आवाज़ आ रही थी, नॉइज़ बहुत हो रही थी। एनीवे, हम क्या बता रहे थे, इम्पॉर्टेंस बता रहे थे स्पीसीज डाइवर्सिटी का। तो डायरेक्टली हमें जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जिन चीज़ों पे हम डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं खाने पीने के लिए और चीज़ों के लिए, तब तो हमको समझ में आता है। जिन पे हम इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं ना, वो भी हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। समझ रहे ना? हमको नहीं पता है लेकिन है। क्यों? क्योंकि जो फूड वेव, फूड चेन और पूरा इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, वो सब यहीं पर काम आएगा, ठीक है। सो डज द नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ कम्युनिटी रियली मैटर टू द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम? मैटर करती है क्या? ऑफकोर्स मैटर करती है यार। अभी बताया कि मान लीजिए किसी कम्युनिटी में, सपोज कम्युनिटी है तो मतलब एक से ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज वहाँ पे देखने को मिलेंगी। ऑब्वियसली बात है, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी बनती है ना अलग अलग का। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, यहाँ तीन ही है सपोज, और दूसरा यहीं हैबिटेट है, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, समझ रहे कि नहीं, जी है, सब है। तो ये ज़्यादा बेहतर होगा इन जनरल कि ये बेहतर होगा, ये होगा, इसका कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगा। जो जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा ना, उतना बेहतर होगा, नॉर्मल कंडीशन में बता रहे हैं, ठीक है, जो थ्योरेटिकल कंडीशन है। और जहाँ पे आपको डाइवर्सिटी कम दिख रही है, कम्युनिटी में स्पीसीज कम है, ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कम होगी। कॉम्प्लेक्सिटी कम है, इसका मतलब इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी इसकी क्या है, कम है। स्टेबिलिटी इसकी कम है, इसकी स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो ज़्यादा होगी नॉर्मल कंडीशन, इन जनरल कंडीशन में बात कर रहे हैं हम, किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं कि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्पीसीज है फिर भी वो वल्नरेबल है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, ठीक है। सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव डेफिनेटिव आंसर। इसीलिए मैंने बोला कि ये थ्योरेटिकल मैनर में ये होता है, लेकिन किसी किसी के इसमें देखा गया कि जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पीसीज है तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाए। रीजन क्या है कि द टाइप ऑफ स्पीसीज आल्सो मैटर्स। खाली नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज या जो स्पीसीज रिचनेस की बात कर रहे थे ना, तो खाली स्पीसीज रिचनेस ही मैटर नहीं करता है, लेकिन उसमें द टाइप ऑफ स्पीसीज आल्सो मैटर फॉर द इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, ठीक है। फूड चेन या फूड वेव कितना स्ट्रांग है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये भी मैटर करेगा ना। समझ रहे हैं कि नहीं? फॉर मेनी डिकेड्स इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कम्युनिटीज विद मोर स्पीसीज जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल। देखिए, यही मैं बता रहा था कि ये बिलीव करते थे और आज भी है ऐसा, ऐसा नहीं है लेकिन ऐसा होता नहीं है हमेशा, ठीक है। इसलिए यह नया दिया है यहाँ पे कि फॉर मेनी डिकेड्स, मतलब अभी ये थोड़ा सा थॉट जो है चेंज हो चुका है। इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कम्युनिटीज विद मोर स्पीसीज, मतलब स्पीसीज रिचनेस जहाँ ज़्यादा है, जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दोज विद द लेस स्पीसीज। ये मैंने आपको समझाया। वॉट एग्जैक्टली इज द स्टेबिलिटी फॉर अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी? स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, ठीक है, स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? तो अ स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी एंड यू शुड रिमेंबर दिस, ठीक है। मेरा पर्पज है इस चीज़ को पढ़ना एनसीईआरटी में, सो दैट यू रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्डिंग, क्योंकि नीट में ऐसे ही आ जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का मतलब यही है, किसी भी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी का मतलब यही है, स्टेबिलिटी, ठीक है। कम्युनिटी की स्टेबिलिटी कहिए चाहे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी कहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, वेरिएशन बहुत कम होता है, ठीक है, समझ रहे कि नहीं, वेरी लेस वेरिएशन, लेस वेरिएशन, चाहे ईयर टू ईयर कह लीजिए वेरिएशन, ईयर ऑन ईयर और ईयर टू ईयर और सीजन टू सीजन, जो भी आप कह लीजिए, ठीक है। और वेरिएशन किस बेसिस पर हम देखेंगे, जो इनकी प्रोडक्टिविटी है,
प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, जो बायोमास क्रिएशन है ना, बायोमास क्रिएशन, ठीक है, इसके बेसिस पे हम चेक करते हैं। तो इसमें वेरिएशन कम होना चाहिए। मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है, मान लीजिए कि हमने कोई एक फॉरेस्ट एरिया ले लिया, सपोज, ठीक है, ये हमने एरिया एक ले लिया, हैबिटेट ए। इसकी प्रोडक्टिविटी हमने मान लीजिए कि यूनिट, आप ध्यान रखिएगा, 100 यूनिट थी, ठीक है, 100 यूनिट। सेम एरिया ऑलमोस्ट है, इसकी प्रोडक्टिविटी, इसमें देखिए, इसमें नंबर ऑफ स्पीसीज जो है 5 हैं सपोज, और इसमें नंबर ऑफ स्पीसीज जो है 12 हैं, लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी अगर हम जब देखें तो इसकी प्रोडक्टिविटी 110 ही थी, ठीक है, या इसकी प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें, 10 दिखा देंगे तब तो ज़्यादा ही है, तो इसकी 90 कर देते हैं, ठीक है, ओवरऑल। सो देखिए, यहाँ पे स्पीसीज, कम्युनिटी में जो स्पीसीज हैं वो कम है लेकिन प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, यहाँ पे कम्युनिटी में स्पीसीज ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्टिविटी कम है, पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी भी बहुत सारे अदर फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि वहाँ पे द टाइप ऑफ स्पीसीज आल्सो मैटर करता है, उसके अलावा जो अदर फैक्टर्स होंगे वो भी मैटर करेगा, ठीक है, कि कौन सा इकोसिस्टम कितना जो है स्टेबल होगा कितना नहीं, क्लियर है कि नहीं। इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और रेजिलियंट टू दी ऑकेजनल डिस्टर्बेंसेस, जो परचुबरेंस होते हैं ना, परचुबेशंस, ठीक है, परचुबेशन या नेचुरल चाहे मैन मेड। परचुबेशन का मतलब होता है डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, परटुबेशन या परचुबेशन कहते हैं ना। सो डिस्टर्बेंसेस मीनिंग ये है सिंपल वर्ड में, डिस्टर्बेंसेस। अब ये डिस्टर्बेंसेस क्या हो सकते हैं? मैन मेड मतलब एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, यहाँ पे लिखा है ना नेचुरल और मैन मेड। सो यहाँ पे बोल रहा है इकोसिस्टम, इट मस्ट आइदर बी रेजिस्टेंट और रेजिलियंट, मीनिंग इसका भी समझा देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे शब्दों में और कम में। रेजिस्टेंट का मतलब होता है कि ये रजिस्ट करता है, ठीक है, रजिस्ट करने का मतलब, इसको एग्जाम्पल समझाते हैं, जैसे आपको कोई गाली दे रहा है, ठीक है, आपको कोई गाली दे रहा है, आप जो है ना एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप कामली एकदम सुन रहे हैं सुन रहे हैं सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका टॉलरेंस लेवल बहुत हाई है, ठीक है, टॉलरेंस लेवल बहुत हाई है, ये रजिस्टेंट है। रेजिलियंट क्या होते हैं? इनका टॉलरेंस लेवल ना बहुत कम होता है, ऐसा नहीं कि आप लड़ाई कर लेंगे, आप टूट के रोना शुरू कर देंगे या गाना शुरू कर देंगे, हम कोई गाली दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है, हाँ, लेकिन आप ये करने के बाद जैसे ही वो भागेगा वहां से, तुरंत आप रेडी हो जाएंगे, ठीक है, बहुत जल्दी से वापस आएंगे। लेकिन इस केस में क्या है, जब ये टूटता है ना, होता है ना कि जब कोसते 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 आदमी कोसता रहता है, ब्लेम करता रहता है, कुछ नहीं कर रहा है, घर में बैठा हुआ, इतने साल से तैयारी कर रहा था यूपीएससी की, ठीक है, मेडिकल की तैयारी कर रहा था, सेलेक्ट नहीं हुआ, उसके बाद पता नहीं क्या कर रहा है, ठीक है, जिंदगी में क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो सुनते 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 आदमी जो होता है ना, कभी कभी जो होता है उसका टॉलरेंस लिमिट जो है क्रॉस हो जाता है, और जब क्रॉस हो जाता है तो बड़ा गड़बड़ होता है। और रेजिस्टेंस के केस में जब ये ब्रेक होता है ना, तो फिर इसका रिवाइवल बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आपको हम एग्जाम्पल बताते हैं प्लांट का, या इकोसिस्टम की ही बात लेके करते हैं, अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगी समझने में। फॉरेस्ट आप देखे ही होंगे, जंगल घूमते ही हैं लोग, नहीं आसपास होगा, गोरखपुर रीजन में है तो यहाँ कुसमी जंगल है, आप देख लीजिए, तो फॉरेस्ट में ट्रीज होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं। इन जनरल ऐसा फॉरेस्ट बनने में नॉर्मली मान लीजिए 20 से 50 साल मिनिमम, ठीक है, बाकी तो बहुत पुराने हैं, लेकिन नॉर्मली अगर आपको डेवलप कराना होगा तो 20 से 50 साल मान के चलिए, तब फॉरेस्ट एरिया एक डेवलप होगा ढंग से, ठीक है। दूसरा आपने ग्रासलैंड ले लिया, ठीक है, अब बताइए कि ग्रासलैंड को डेवलप करने में भी आपको 20 से 50 साल लगेगा? नहीं भाई, इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होगा, 5 से 10 साल बहुत ज्यादा अगर ले लीजिए तब, ठीक है, ग्रासलैंड डेवलप हो जाएगा, मतलब कुछ कुछ इसमें ट्री भी आ जाएंगे और ग्रासेस भी रहेंगी, ठीक है। सो फॉरेस्ट एरिया जो होता है ना रजिस्टेंस शो करता है, और जो ग्रासलैंड होता है ये रेजिलियंस शो करता है। अगर फॉरेस्ट एरिया एक बार डैमेज हो गया तो इसका रिवाइवल मुश्किल होता है, इसके रिकवरी या रिवाइवल बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर ग्रास लैंड में आग लग जाए, खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही बारिश होगी, मानसून आएगा, सीजन थोड़ा सा चेंज होगा, फिर से ये क्या हो जाएगा, रिवाइव कर लेगा अपने आप को। तो रेजिलियंट का मीनिंग क्या है? ये डैमेज जल्दी से होता है, ठीक है, डैमेज जल्दी से होता है, ये रेजिस्टेंट नहीं, रेजिस्टेंस नहीं,
शो कर पाता है, लेकिन इसका रिवाइवल भी फास्ट होता है। ऐसा इकोसिस्टम जो होता है रिवाइव कर जाता है, और दूसरे टाइप का इकोसिस्टम जो होता है इसके रिवाइवल में प्रॉब्लम होती है। तो मीनिंग यहाँ पे रेजिस्टेंस और रेजिलियंट का यही है। क्लियर है मीनिंग? मैं आपको बताते चल रहा हूँ भाई, थोड़ा टाइम लग जा रहा है, मैं 15 से 20 मिनट में लेक्चर नहीं खत्म कर पा रहा हूँ, मिनिमम 30 मिनट पहुँच ही जा रहा है। ठीक है, सो इट मस्ट ऑल्सो बी रजिस्टेंट टू इन्वेजन्स बाई एलियन स्पीसीज। तो ये भी है कि भाई, एक तो हमने ये मीनिंग बता दिया, ये तो हमने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बताया ना। तो हाँ, कोई भी इकोसिस्टम की अगर स्टेबिलिटी हम देखते हैं तो ये भी देखते हैं कि भाई जो इंसेक्ट का या किसी एलियन स्पीसीज का इन्वेजन हो रहा है तो उसके लिए भी मतलब डिफेंस मैकेनिज्म उसका स्ट्रांग होना चाहिए। इतना वल्नरेबल या ससेप्टेबल नहीं होना चाहिए कि कोई भी एलियन स्पीसीज आके उसको डैमेज कर दे रही है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? सो वी डू नॉट नो हाउ दीज एट्रीब्यूट्स आर लिंक्ड टू द स्पीसीज रिचनेस इन अ कम्युनिटी। एग्जैक्टली हमको नहीं पता है, लेकिन लेकिन टिलमन साहब थे, ये नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, डेविड टिलमन। देखिए यहाँ पे ये अलग से दिया नहीं है, इसी बीच में दे दिया, और आप लोगों को एग्जाम में आ जाएगा तो आप कहेंगे टिलमन तो पढ़े ही नहीं है यार। ठीक है, तो टिलमन ये हमारे तिलमन है, तिल का तेल होता है ना, तो तिलमैन है ये। ठीक है, तिलमैन्स जैसे एंट मैंस होता है ना, तो ये तिलमैन्स है, तो डेविड टिलमन। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक्चुअली में लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट किया था, कहाँ पे, आउटडोर कंडीशन में, आउटडोर प्लांट प्रोवाइड सम टेंटेटिव आंसर। मतलब इन्होंने एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट किया था बाहर साइड में। ये क्या पाते हैं, टिलमन फाउंड दैट प्लॉट्स विद मोर स्पीसीज शोज लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। इन्होंने देखा, आउटडोर स्टडी किया इन्होंने, तो इन्होंने वहीं पाया कि जहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज ज़्यादा है, नंबर ऑफ स्पीसीज ज़्यादा है, हाई है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ना बायोमास में जो ईयर टू ईयर वेरिएशन देखने को मिला, बायोमास का मतलब क्या है, प्रोडक्टिविटी, इसमें ईयर टू ईयर वेरिएशन बहुत जो था कम था, वेरिएशन क्या था, लेस था। क्लियर है? ही ऑल्सो शोड दैट इन हिज एक्सपेरिमेंट इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी। कहने का मतलब स्पीसीज रिचनेस अगर ज्यादा हुआ तो ऑब्वियस ही बात है सेम चीज है, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन देखने को मिला और प्रोडक्टिविटी भी इसकी क्या रही, ज्यादा रही। क्लियर है? तो ये डेविड टिलमन का क्या है, एक्सपेरिमेंट था, याद रखिएगा भाई, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने डाइवर्सिटी को भी प्रोडक्टिविटी से लिंक किया कि इंक्रीज डाइवर्सिटी जो होती है कॉन्ट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी, और दूसरा क्या था कि जहाँ पे स्पीसीज ज़्यादा होती हैं, ठीक है, जिस भी इकोसिस्टम में, वहाँ पे ईयर टू ईयर जो वेरिएशन होता है बायोमास क्रिएशन में, ठीक है, वो कम होता है, वेरिएशन कम होता है। ठीक है, मतलब अगर 10 क्विंटल कोई चीज़ पैदा हो रही है तो इन जनरल वो अराउंड 10 क्विंटल ही होगी, कभी 10 साढ़े 10 पहुंच जाएगी, कभी 9.5, कभी 11, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, ऑल्दो वी मे नॉट अंडरस्टैंड कम्प्लीटली हाउ स्पीसीज रिचनेस कॉन्ट्रीब्यूट टू दी वेल बींग ऑफ एन इको सिस्टम, वी नो एनफ टू रियलाइज दैट रिच बायोडाइवर्सिटी इज नॉट ओनली इसेंशियल फॉर इको सिस्टम हेल्थ बट इम्परेटिव फॉर देयर सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस ऑन दिस प्लैनेट। ठीक है, तो हमने ओवरऑल जो मीनिंग निकाला यही कि हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इसेंशियल है। ठीक है, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इसेंशियल है। इवन द स्पीसीज वी डू नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद, वो उनका इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं जो है ना प्रोडक्टिविटी से लिंक्ड है, प्रोडक्टिविटी से लिंक्ड है, कहीं ना कहीं वो फूड चेन में लिंक है, कहीं ना कहीं वो फूड वेब में लिंक है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? एट अ टाइम वेन वी आर लूजिंग स्पीसीज एट एन अलार्मिंग पेस। इस समय हम बताएं ना कि हमारे जो स्पीसीज लूज करने का या जो एक्सटिंक्शन रेट है स्पीसीज का, वो बहुत ज़्यादा है। नेचुरली बहुत कम रहता है, लेकिन हमने क्या किया है कि उसको, उस पेस को ना बढ़ा दिया है। वन माइट आस्क, डज इट रियली मैटर अस इफ अ फ्यू स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट। अरे बाप रे बाप, हैं, हमको स्पीसीज के बारे में पता ही नहीं कि हमारे लिए क्या रोल प्ले करता है, हमारे लिए उसका क्या इंपॉर्टेंस है। हो सकता है उस स्पीसीज में ऐसी कोई कैपेबिलिटीज हो जो किसी भी डिजीज को, कैंसर को ऐसे ही ट्रीट कर दे, हैं, एड्स को ऐसे ही ट्रीट कर दे, समझ रहे हैं कि नहीं, या उसमें बहुत बहुत जो हाई रिकवरी कैपेसिटी होगी, मतलब आपको चोट लगी है, ठीक है, तो सेल को वो जो डिवीजन की कैपेसिटी है उसको बढ़ा दे, आपके जो इम्यून सिस्टम को बढ़ा दे, समझ रहे हैं कि नहीं, ड्रग डेवलपमेंट में, इसके अलावा जो अदर बहुत सारे चीज़ें हैं लिंक्ड है, स्पेशली
हमको पता ही नहीं उस चीज़ के बारे में। नई स्पीसीज है, हो सकता है कि उसको उसको हम अगर उसमें से जीन निकाल के इंट्रोड्यूस कर दें किसी कल्टीवेटेड वैरायटी में, तो कल्टीवेटेड वैरायटी जो होगी प्रोटेक्ट हो जाएगी बहुत सारे डिजीज आउटब्रेक से। ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप कर सकते हैं, समझ रहे कि नहीं, हीट रेजिस्टेंट डेवलप कर सकते हैं वैरायटीज, बहुत सारा है एस्पेक्ट जो कि हमको पता ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर स्पीसीज कोई ऐसी लॉस हो रही है नेचर से, हमको अभी तक पता ही नहीं। हमको पता है ना कि हम कितना, हमको एरिया 1.5 इतना ही तो पता है IUCN के अकॉर्डिंग, और ऐसे अप्रॉक्सीमेशन यही था उनका भी, किनका, रॉबर्ट मे का एस्टिमेशन, कि इतना ही नोन एंड डिस्क्राइब्ड है, इसके अलावा जितनी भी स्पीसीज हमको पता नहीं है। तो अगर उसी में से खत्म हो रही है स्पीसीज, तब तो दिक्कत की बात है ना। वुड वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट की बात कर रहा है। वेस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक आता है? गुजरात से लेके कहाँ तक जाता है? तमिलनाडु तक, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद क्या आएगा इधर? कर्नाटका, कर्नाटका आएगा, केरला आएगा और तमिलनाडु आएगा। दो दो चार दो छः, छः स्टेट से गुजरता है, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट है टोटल, समझ रहे कि नहीं? ज्योग्राफी है, इकोलॉजी ज्योग्राफी सब मिक्स है, बॉटनी। सो बी लेस फंक्शनल इफ वन ऑफ इट्स ट्री फ्रॉग स्पीसीज इज लॉस्ट फॉर एवर। यस, अगर मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में अगर फ्रॉग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इकोसिस्टम के फंक्शनिंग में, ठीक है, तो अगर कोई भी स्पीसीज यहाँ से खत्म होती है वेस्टर्न घाट से, वेस्टर्न घाट में हमको फ्रॉग की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। सोच लीजिए कि होगा कि नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, इकोसिस्टम की फंक्शनिंग जो होगी अफेक्ट होगी। हाउ इज आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड इफ से इंस्टेड ऑफ 20,000 वी हैव ओनली 15 स्पीसीज ऑफ एंट ऑन दी अर्थ? एंट, एक तो ये है कि भाई एंट जो होता है ये पॉलिनेटर भी हैं। क्या बोलते हैं इनको? मायरिमिकोफिली। क्या? मायरिमिकोफिली, जो कि एंट से पॉलिनेशन होता है, ठीक है, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं मायरिमिकोफिली। तो ये एंट की स्पीसीज अगर कम होगी तो ये वाला पॉलिनेशन रुक जाएगा, और ये वाला पॉलिनेशन रुकेगा तो आप समझ सकते हैं उसका प्रोडक्टिविटी रुक जाएगा, प्रोडक्टिविटी रुकेगा तो ऑब्वियसली अफेक्ट होगा ना। हर चीज़ अफेक्ट करेगी। आप ये मत सोचिए कि अरे ये हमारे फायदे का नहीं है। चींटियों को आप दबा देते हैं, सोचते हैं कि हम तो मार देते हैं, क्या फायदा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो कि क्या है, उसके आंसर देना मुश्किल होता है। ऐसे कहते हैं ना कि भाई इसका आंसर दो, उसका आंसर दो, जिसको कहते हैं बकवास क्वेश्चन। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन है कि भाई हम तो ये खाते नहीं है। कोई कह देगा भैया मच्छर का हमारे लिए क्या रोल है, मच्छर तो डिजीज फैलाता है केवल। भाई वो इंसेक्ट की कैटेगरी है, ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट है जो आपको डिजीज ही फैलाते हैं, लेकिन उनका रोल तो कुछ ना कुछ है ना। भाई उनको खाने वाले जो बर्ड्स हैं उनका वो क्या है, फूड है। तो अगर वो खत्म हो गया, अगर वो पर्टिकुलर मान लीजिए म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में है, तब तो फिर वो बर्ड की स्पीसीज भी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे हर चीज के लिए खाली क्वेश्चन करना मतलब बहुत ही वाइज होने का निशानी नहीं है, या एक गुड जो कहते हैं ना कि क्यूरियस होने का निशानी नहीं है। क्यूरियस होने का मतलब है क्वेश्चन वैलिड होना चाहिए। सो देर आर नो डायरेक्ट आंसर्स टू सच क्वेश्चंस, ठीक है। सच नाइव, नाइव का मतलब क्या होता है, बहुत जैसे कहते हैं बचकना, बचपने जैसा या बचकाना क्वेश्चन। बट वी कैन डेवलप अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव थ्रू एन एनालॉजी, और इस एनालॉजी को किसने दिया था, इसको बोलते हैं रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बस इसी को समझाने के लिए दिया है कि इकोसिस्टम में डिफरेंट स्पीसीज का रोल कैसा है, ठीक है, उसी को इन्होंने समझाया है। कैसे समझाया है? एक प्लेन के थ्रू। मान लीजिए कि एक ऐसे प्लेन है ना, ठीक है, प्लेन होता है ना भाई, नहीं कैसे बनाते हैं ऐसे, हाँ चक्री कट रहा है, ठीक है, अभी प्लेन है मान लीजिए। प्लेन के अंदर आप कभी चढ़े होंगे तो उसमें सीट सीट्स होता है, सीट बेल्ट होता है, केबिन होता है, ठीक है, कैबिनेट्स होते हैं जहाँ पे बैग बैग रखते हैं, बाकी जो वहाँ पे क्रू मेंबर्स होते हैं उनके लिए अलग स्पेस होता है, सब कुछ देखे हैं ना। हाँ, तो बस ये ध्यान रखिएगा कि ये किस चीज़ को समझाने के लिए है, ये डाइवर्सिटी के इम्पोर्टेंस को बताने के लिए कि भैया हमको स्पीसीज मैटर कैसे करती है, ये भी ध्यान रखना है कि किस लिए है ये। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया किसने था? इसको दिया है पॉल एहरलिक ने, ये नाम ध्यान रखिएगा, स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने पूरे एयरप्लेन को, ये एरोप्लेन है ना जहाज, ठीक है, पूरे एयरप्लेन को एक इकोसिस्टम की तरह कंसिडर कर लिया। क्या है ये? इकोसिस्टम है, ठीक है।
अब इको सिस्टम की बात किया है तो इसमें जो सीट है, सीट में सीट बेल्ट लगा होता है, हाथ रखने वाला बना होता है, दूसरे सीट से वो जुड़ा होता है जहाँ पे आप कुछ रख के पढ़ सकते हैं, अपना चाय कप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है ना कि सबका अलग अलग इम्पोर्टेंस है, ठीक है। फंक्शनिंग मतलब मेजर फंक्शनिंग किससे अफेक्ट होगी, मतलब विंग्स जो है इसमें इंजन होता है, मान लीजिए कि ये रिमूव हो गया, डैमेज हो गया, तब तो पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे कीस्टोन स्पीसीज, जो रॉबर्ट पेन का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। या तो यहाँ पे जो आपका ये मेन है केबिन जहाँ से हैंडलिंग हो रही है, इसमें कोई सिस्टम अफेक्ट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन क्या अगर जो इसके अंदर जो सीटिंग प्लान है, सीट में से सीट बेल्ट निकालेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा, या उसमें से हमने सीट को उखाड़ के हटा दिया तो क्या तुरंत दिक्कत हो जाएगा, कैबिनेट में से हमने कैबिनेट को हटा दिया तो दिक्कत हो जाएगा? नो, मतलब जो कुछ कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनको हटाने से, जिनके रिमूवल से डायरेक्ट अफेक्ट हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट शो करती हैं, ठीक है। उनका अफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, उनको हम की स्टोन स्पीसीज की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। इन एन एयरप्लेन इकोसिस्टम ऑल पार्ट्स आर ज्वाइन टुगेदर, ठीक है, यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिवेट। रिवेट का मतलब यहाँ पे क्या है, स्पीसीज, ठीक है। रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस है, तो रिवेट का मतलब स्पीसीज है। इफ एवरी पैसेंजर ट्रेवलिंग इन इट स्टार्ट पॉपिंग अ रिवेट, मतलब एक एक चीज जो है रिवेट वहां से हटा रहा है, टू टेक होम कॉजिंग अ स्पीसीज टू बिकम एक्सटिंक्ट। कहने का मतलब जितने पैसेंजर अगर सब कोई ना कोई पार्ट वहां से उठा के ले जाए तो जहाज का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। सिमिलरली इकोसिस्टम से अगर हम स्पीसीज को रिमूव करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम का एग्जिस्टेंस धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो पर्टिकुलर स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट कर जाएगी। इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी, दैट इज प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम इनिशियली, शुरुआत में हमको नहीं दिखेगा, शुरुआत में हमको लगेगा जैसा अभी तक दिखता आया है। जैसे आज क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम चल रहा है, पेरिस क्लाइमेट डील में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहे हैं, सोचिए कि 1960s में ही किसने, रचल कार्सन ने बोल दिया था क्या इम्पैक्ट कर रहा है पेस्टिसाइड, और कितने टाइम के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया और चीज़ें चेंज की गई। सिमिलरली आज भी वही हो रहा है, हम पोल्यूशन और चीज़ों को देख नहीं रहे हैं, जो वाटर की क्राइसिस क्रिएट हो रही है हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एग्जैक्टली वैसे ही है कि हम एक एक करके जब हटाते रहते हैं इसमें से स्पीसीज, तो इनिशियली हो सकता है कि वो अफेक्ट ना करे प्रॉपर फंक्शनिंग, वो चलता रहेगा, जहाज जो है उड़ती रहेगी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उसमें से जब हम अदर स्पीसीज, मतलब मोर आर मोर, मतलब धीरे धीरे जब करके हम रिवेट को रिमूव करते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि प्लेन जो होगा ना डेंजरसली वीक हो जाएगा, मतलब जो इको सिस्टम होगा वो ऐसे मोमेंट पे पहुंच जाएगा कि इको सिस्टम वुड बिकम एंड विल बिकम वेरी फ्रेजाइल इन नेचर। क्या हो जाएगा, वेरी फ्रेजाइल नेचर हो जाएगा इसका, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं, फ्रेजाइल हो जाएगा। और जब फ्रेजाइल हो जाएगा तो इकोसिस्टम कोलैप्स होने के कगार पे है। कुछ भी, कोई भी इवेंट हुआ, नेचुरल मैनमेड इवेंट ऐसा हुआ कि वो किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज जो कि उसको सस्टेन करा रही है अभी तक किसी तरीके से, अगर वो भी लॉस हो गई तो बस खत्म कहानी, ठीक है। तो ये क्रिटिकल जंक्चर है। विच रिवेट इज रिमूव्ड में आल्सो बी क्रिटिकल, तो ये जो क्रिटिकल वाली बात है ये कीस्टोन वाली बात है भाई। अब हम बताए ना कि अगर इसके इंजन को हम हटा दिए तो खत्म कहानी, लॉस ऑफ रिवेट्स ऑन द विंग्स दैट इज की स्पीसीज, इसी को मैं बोल रहा था कीस्टोन स्पीसीज, दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शंस इज ऑब्वियसली अ मोर सीरियस थ्रेट टू द फ्लाइट सेफ्टी देन लॉस ऑफ अ फ्यू रिवेट्स ऑन द सीट्स और विंडोज इन साइड द प्लेन। तो कहने का मतलब यही है, क्वेश्चन जो 50 तो इधर से उधर उठता है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो बहुत सारी स्पीसीज का इम्पोर्टेंस डायरेक्ट आप लिंक नहीं कर पाएंगे, लेकिन पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कोई स्पीसीज ऐसी है जिसका डायरेक्ट उस इकोसिस्टम से रिलेशन है, उस इकोसिस्टम को जो कि उसकी फंक्शनिंग को जो मेंटेन कर रहा है, ठीक है। सो अगर वो लॉस होती है ना तो फिर कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, क्लियर है कि नहीं। सो ये रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस, और इसमें जो पॉल एरलिक जी का नाम है ना, पॉल एरलिक, ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा, टिलमैन जी का नाम ध्यान रखिएगा, बता दिए थे ये डॉक्टर टिलमैन है, टिलमैन्स, ठीक है, एंड हम्बोल्ट का, और स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को ध्यान रखिएगा कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं।
तो आज के लेशन में इतना ही, पढ़ते रहिए, गर्मी है कोई बात नहीं, लेकिन अपना काम जारी रखिए, गर्मी अपना काम कर रही है, आप अपना काम करिए, सब लोग अपना कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।